दोस्तों, इन दिनों पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 2-3 दिन की बात करें तो यहाँ पर सर्दी का आलम यह है कि लोग घरों से बाहर भी निकल नहीं पाते हैं और सुबह सुबह तो लोगों के घरों में खेतों में बर्फ जम जाती है। इसी के चलते बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोक बंधु ने आदेश जारी किया है कि कक्षा 1 से लगाकर 8 तक, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक स्कूलों में, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, वहां पर अवकाश घोषित कर दिया है। और ये अवकाश 2 दिन का रहेगा, 17 और 18 तारीख को अवकाश रहेगा। इसके अलावा कक्षा 9 से 12 तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए समय में भी बदलाव किया है। उनके समय में जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर 11 से 4 बजे तक कर दिया है, और जिसके चलते कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको सर्दी से राहत मिल सकती है। और इसी सर्दी के कारण किसानों की जो हालत है वो खराब हो गई है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की जो फसलें इन दिनों खेतों में बोई हुई थी वो 2 दिन की सर्दी के कारण, पाला पड़ने के कारण पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं, पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। और इसी सर्दी के चलते किसान सरकार से, अधिकारियों से ये मांग भी कर रहे हैं कि हमारी जो फसलें बर्बाद हुई हैं, फसलें नष्ट हुई हैं, उसकी गिरदावरी करवाई जाए और हमें मुआवजा दिलाया जाए। गौरतलब है कि पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भी ये आदेश जारी किया गया था, जिला प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को ये आदेश दिए गए थे कि आप शीत लहर को देखते हुए अपने जिलों में अवकाश घोषित कर सकते हैं या समय बदलाव कर सकते हैं। जिसके चलते 2 दिन पहले भी हमारे बाड़मेर में शीतलहर के चलते छुट्टियां हुई थी, और अब पिछले 2 दिन से जो सर्दी का आलम है उस सर्दी के चलते बाड़मेर के जिला कलेक्टर ने बाड़मेर में 2 दिन का राजकीय और निजी स्कूल, तमाम प्रकार के स्कूलों में अवकाश रखने की घोषणा कर दी है। और कक्षा 9 से 11 तक के जो स्टूडेंट हैं उनका स्कूल जाने का समय जो है वो सुबह 11 से 4 शाम को 4 बजे तक रहेगा। तो ये सूचना तमाम लोगों तक पहुंचे, तमाम उन अभिभावकों तक पहुंचे, तमाम स्कूलों के स्टाफ तक पहुंचे। तो ये सूचना उन तक पहुंचाने के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल और परसों यानी कि 17 और 18 जनवरी को बाड़मेर के सरकारी और निजी स्कूलों में जिला कलेक्टर ने अवकाश की घोषणा की है, और शीतलहर को देखते हुए, जो सर्दी का आलम है इसको देखते हुए 2 दिन का अवकाश की घोषणा की है। साथ ही साथ कक्षा 9 से 12 तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए समय में भी बदलाव किया है। उन बच्चों को सुबह 11 बजे जाना है और 4 बजे उनको अवकाश कर दिया जाएगा। तो ये अहम जानकारी है, और मैं चाहूंगा कि ये अहम जानकारी तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और तमाम लोग इस वीडियो को देखने के बाद आगे शेयर भी कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और खास बात ये है इस सर्दी को लेकर हमारे दर्शकों को कि जो इस समय सर्दी पड़ रही है उससे हम सब लोगों को बचने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्दी का आलम इस प्रकार का है। और विशेषकर बच्चों को बाहर नहीं निकालें ताकि बच्चे इस सर्दी में बीमार ना पड़े और हम सब लोग इस सर्दी से राहत ले सकें। इसके लिए हम लोग बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।